नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 8 में आपको बोल रहा है वेरीफाई द प्रॉपर्टी x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स ऑफ रैशनल नंबर्स बाय टेकिंग ए पार्ट x इज इक्वल टू 1/2 y इज इक्वल टू 1/2। देखिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है x और y की वैल्यू दी हुई है क्या x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ये प्रॉपर्टी क्या है बच्चों याद है आपको, ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। याद है हमने पढ़ा था कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, मतलब हमारे पास टू रैशनल नंबर्स हैं a एंड b, हम a प्लस b करें या हम b प्लस a करें बात क्या है सेम है। चेक कर लीजिए a में b को ऐड करो या b में a को ऐड करो बात क्या है सेम है, इसलिए हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव ओवर एडिशन या कम्यूटेटिविटी इज वैलिड फॉर द एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। तो ये आपका क्या है कम्यूटेटिविटी इज वैलिड फॉर एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर। तो आइए कैसे वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम ले लेते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बच्चों क्या है देखिए एक्स प्लस वाई है ना, क्या है एक्स प्लस वाई। चलिए आप इसका लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करिए, इसका राइट हैंड साइड कैलकुलेट करिए और देखिए कि वो दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऑब्वियसली वो दोनों इक्वल आएंगे, एक्स प्लस वाई करो या वाई प्लस एक्स करो आंसर सेम आना चाहिए। एक्स प्लस वाई सो एक्स कितना है 1/2 और प्लस वाई कितना है 1/2, ठीक। अब देखो 1/2 का मतलब हाफ होता है और 1/2 का मतलब हाफ होता है, हाफ प्लस हाफ क्या होता है फुल होता है, यानी कि 1 होता है, फुल का मतलब 1, तो आंसर 1 आना चाहिए। आइए दिखाते हैं आपको कैसे। देखिए बच्चों जब भी टू रैशनल नंबर्स हो आपके पास p/q के फॉर्म के और डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो इसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं। तो इसका और इसका दोनों का डिनोमिनेटर कितना है 2 है, तो हम एज इट इज कॉपी कर देंगे और न्यूमरेटर को हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। याद रखिएगा ऐसा हम तभी करते हैं जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एज इट इज कॉपी कर लो और ऊपर वाले दोनों न्यूमरेटर को ऐड कर दो, बस खत्म, ठीक। चलिए सो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना होता है 2/2, ठीक। तो यहाँ से कितना होगा 2 × 2 × 2 × 2 1/1 कितना हो जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 1 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे, सो राइट हैंड साइड देखिए बच्चों कितना है, राइट हैंड साइड है वाई प्लस एक्स, ठीक वाई प्लस एक्स, वाई कितना है 1/2, ठीक है, और प्लस एक्स कितना है 1/2, फिर से वही हो जाएगा 2 और 2 का एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, इसलिए हम 2 लिख देते हैं। सिंपल सी बात है दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो वही नंबर ऐसे कॉपी कर दो और न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, न्यूमरेटर में क्या है 1 + 1। अब यहाँ से देखिए 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 2/2 2 × 2 2 × 2 1/1 कितना होता है 1 होता है। तो देखा आपने लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आ गया 1, राइट हैंड साइड भी कितना आ गया 1, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ओके नोट कर लीजिए, पढ़ते हैं बढ़ते हैं हम लोग पार्ट बी की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट बी, ठीक है ना, x की वैल्यू -2/3 और y की वैल्यू -5/6 दी हुई है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या है x प्लस y। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान दें x की जगह -2/3 रखेंगे और प्लस अब ध्यान देंगे y की जगह -5/6 रखेंगे, लेकिन y की वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और y की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए y की जब भी नेगेटिव वैल्यू देता है ना तो प्लस के बाद आप उसको ब्रैकेट में रखा करिए, ठीक है ना, तो ब्रैकेट में -5/6 इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब ध्यान दें बच्चे यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 6 है, 3 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, 3 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा, सबको पता है। देखिए 2 ये 3 ऐसे ही रहेगा, 2 × 3 = 6 होता है, फिर 3 से ले जाएंगे 3 × 1 = 3 3 × 1 = 3, सो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 2 × 3 यानी कि कितना हो जाएगा 6, 6 को हम डिवाइड करेंगे किससे, फर्स्ट जो रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर से, ठीक। तो यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ, 6 जो कि एलसीएम आया है 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा 2 3 × 2 = 6 होता है। तो जो भी क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन से उठा के हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 × 2 ठीक और प्लस, ठीक है। अब देखो जरा 6 है, एलसीएम कितना है 6 और 6 को अगर आप -5/6 के डिनोमिनेटर 6 से डिवाइड करोगे तो 6 × 1 = 6 क्वेश्चन कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि ये वाला प्लस तो ऐसे लगेगा और ये -5 लिखा हुआ है, तो -5 को ब्रैकेट में लिख के इनटू में क्या करेंगे 1, क्यों, क्योंकि एलसीएम 6 आया था, 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 आ रहा है, तो 1 को इसके न्यूमरेटर
माइनस फाइव बाई सिक्स के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस फाइव बाई सिक्स का न्यूमरेटर क्या है, माइनस फाइव है, तो माइनस फाइव इंटू वन एंड होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एलसीएम जो आया था सिक्स। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ टू से थ्री को काट मत देना, जब तक ये न्यूमरेटर पूरा सॉल्व नहीं कर लोगे ना तब तक आप कुछ भी कटवट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, टू टू ज़ा फोर और ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, यानी कि माइनस फोर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चों, ये फाइव इंटू वन फाइव होता है, लेकिन प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, फाइव इंटू वन वन, सो माइनस फाइव बाय, यहाँ पे देखिए कितना है, सिक्स है। नौ, अब ध्यान दें, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, ठीक, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि फाइव प्लस फोर कितना हो जाएगा, नाइन, और साइन लगेगा लार्जर नंबर का, तो इन दोनों से बड़ा कौन है, न्यूमेरिकल वैल्यू किसका बड़ा है, फाइव का, तो फाइव के आगे माइनस है, माइनस माइनस नाइन बाय सिक्स। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना हो तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, थ्री से कैंसिल होगा, थ्री टू ज़ा और थ्री थ्री ज़ा, यानी कितना आ जाएगा, माइनस थ्री बाय टू। ठीक है बच्चों, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, कहीं पर हम कॉपी कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है, इसका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है बेटा कितना, माइनस थ्री बाय टू आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसका राइट हैंड साइड आपको निकाल के दिखाता हूँ, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये रहा इसका राइट हैंड साइड, सो आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड, आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है, वाई प्लस एक्स है, नाउ वाई की जगह कितना रखोगे, माइनस फाइव बाय सिक्स, सो वाई की जगह हमने रखा माइनस फाइव बाय सिक्स प्लस, ध्यान दें बच्चों, एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस टू बाय थ्री, तो नेगेटिव है तो ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस टू बाय थ्री को हमने ब्रैकेट में रखा। ठीक, अब फिर से वही सारे काम करने, सिक्स और थ्री का एलसीएम सिक्स आएगा, सिक्स को सिक्स से डिवाइड करो कितना आएगा, वन आएगा, वन को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस फाइव इंटू वन, फिर ये वाला प्लस कॉपी करेंगे, फिर सिक्स एलसीएम है, सिक्स को थ्री से डिवाइड करोगे, सिक्स को थ्री से कितना आएगा, टू, तो माइनस टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस टू इंटू टू। सॉल्व करिए, माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव प्लस, अच्छा एक चीज़ और, टू टू ज़ा फोर, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि माइनस फोर, टू टू ज़ा फोर प्लस माइनस 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 फोर, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस फोर बाय कितना है, सिक्स है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन लगेगा जो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है उसका, ठीक है, यानी कि फाइव का, फाइव प्लस फोर नाइन है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और फाइव का साइन कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस नाइन बाय सिक्स। ठीक, नाउ थ्री टू ज़ा और थ्री थ्री ज़ा, तो कितना आ जाएगा, माइनस थ्री बाय टू। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आर एच एस राइट हैंड साइड कितना आ रहा है, माइनस थ्री बाय टू आ रहा है। ठीक, तो देखा आपने बच्चों, यहाँ पर जितना लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है उतना ही राइट हैंड साइड आ रहा है, इसलिए रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी ओवर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं पार्ट सी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई। नाउ बच्चों ध्यान से चेक करिए, एक्स की जगह माइनस थ्री बाय सेवन और प्लस वाई की जगह ट्वेंटी बाय ट्वेंटी वन, ट्वेंटी बाय ट्वेंटी वन, बस अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेंगे कैसे, सेवन और ट्वेंटी वन का एलसीएम लीजिए कितना आएगा, ट्वेंटी वन आएगा, चेक कर लो, ये रहा सेवन और ये रहा ट्वेंटी वन। ठीक, ये जाएगा थ्री से पहले, सेवन ऐसे ही रहेगा, थ्री सेवन से ट्वेंटी वन, फिर सेवन से सेवन बन जाए सेवन, सेवन बन जाए सेवन। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे आप एलसीएम कितना आ जाएगा, थ्री इंटू सेवन, यानी कि थ्री इंटू सेवन, थ्री सेवन का कितना होगा, ट्वेंटी वन, सो एलसीएम कितना आ गया, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन को डिवाइड करोगे किससे, सेवन से, है ना, सो ट्वेंटी वन को सेवन से डिवाइड करोगे, सेवन थ्री का कितना होता है, ट्वेंटी वन, कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है, तो थ्री से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री को, माइनस थ्री इंटू थ्री करेंगे और प्लस एलसीएम ट्वेंटी वन है, ट्वेंटी वन को ट्वेंटी वन से डिवाइड करोगे वन आएगा, भाई ट्वेंटी वन को ट्वेंटी वन से डिवाइड करोगे वन आएगा, तो ट्वेंटी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए अब ये थ्री से ट्वेंटी वन को कैंसिल मत कर देना, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे। ठीक है, देखिए माइनस थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन और माइनस ऐसे ही रहेगा, यानी कि माइनस नाइन प्लस ट्वेंटी इंटू वन, ट्वेंटी डिवाइडेड बाय ट्वेंटी वन, ओके। नौ, नेक्स्ट देखिए बच्चों, ट्वेंटी और ये माइनस नाइन है, कितना आ जाएगा, इलेवन आ जाएगा, ऑब्वियसली भाई माइनस प्लस माइनस, यानी कि ट्वेंटी माइनस नाइन इलेवन, और साइन लगेगा बड़े नंबर का ट्वेंटी का प्लस, यानी कि प्लस इलेवन, ठीक, बाय ट्वेंटी वन, अब देखो प्लस तो लिखा नहीं जाता है, इलेवन बाय ट्वेंटी वन। तो इस तरीके से आपका जो लेफ्ट हैंड साइड आ गया वो कितना आ गया, इलेवन बाय ट्वेंटी वन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका राइट हैंड साइड निकाल के आपको दिखाते हैं, वाई प्लस एक्स, ये
बट इसके पहले ये सारी चीज़ें आप लोग कॉपी कर लीजिए। देखिए इसका राइट हैंड साइड है y प्लस एक्स, ठीक है। सो y कितना है 20 बाय 21 और प्लस x कितना है, देखो x का वैल्यू नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लिखोगे माइनस 3 बाय 7, ठीक। नाउ 21 और 7 का एलसीएम कितना आ जा रहा है 21। अब 21 को 21 से डिवाइड करो कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि 20 इंटू 1, फिर ये वाला प्लस कॉपी करेंगे, फिर 21 को 7 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। तो ध्यान दें ऊपर कितना है माइनस 3, तो माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, क्योंकि 21 को 7 से डिवाइड किया 3 आया, माइनस 3 इंटू 3, ठीक। सॉल्व करिए 20 इंटू 1 20, और प्लस देखो प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है, ठीक। 3 3 9 बाय 21, ठीक। 20 माइनस 9 कितना होता है 11 होता है, सो 11 बाय 21। तो देखा आपने राइट हैंड साइड भी कितना आ गया 11 बाय 21, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वी कैन से दैट एडिशन इज कॉमिटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ओके नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट डी। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 5, वाई इज इक्वल टू माइनस 9 बाय 10। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है x प्लस वाई। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x कितना है माइनस 2 बाय 5 प्लस y कितना है माइनस 9 बाय 10, माइनस 9 बाय 10। ओके नाउ देखिए बच्चों 5 और 10 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ऑब्वियसली ये तो आप ले सकते हो 5 और 10 का एलसीएम 10, 10 को डिवाइड करोगे 5 से कितना आएगा 2, 10 को 5 से डिवाइड करो 2 आएगा, तो माइनस 2 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई प्लस। अब ध्यान दें 10 को 10 से डिवाइड करो ये कितना आएगा 1 आएगा, चेक कर लो एलसीएम कितना है 10, 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, सो माइनस 9 इंटू 1। नाउ यहां से आ जाएगा आपके पास 2 2 4 माइनस 4 है ना, आगे माइनस है माइनस 4 और प्लस देखिए प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 1 9 माइनस 9 बाय प्लस माइनस माइनस हो गया ना 9 इंटू 1 9 माइनस 9 बाय 10। नाउ बच्चों ध्यान से चेक करिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा आई थिंक 13, यस। लेकिन साइन लगेगा किसका माइनस का, क्योंकि 9 लार्जर है 9 का साइन लगाएंगे माइनस, सो माइनस 13 बाय 10 आ गया। ओके सो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया माइनस 13 बाय 10। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। ओके इसको नोट कर लीजिए पहले। नाउ स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड क्या है वाई प्लस एक्स, ठीक। वाई प्लस एक्स व्हाट इज वाई, वाई इज माइनस 9 बाय 10 प्लस एक्स, एक्स इज व्हाट माइनस 2 बाय 5। नाउ 10 और 5 का एलसीएम 10 आ जाएगा, 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, चेक कर लो एलसीएम कितना है 10, 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, माइनस 9 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 1 प्लस कॉपी कर लेंगे 10 को 5 से डिवाइड करो, 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2, ठीक। चलिए सॉल्व करते माइनस 9 इंटू 1 9 1 9 और माइनस माइनस 9 प्लस माइनस क्या होता है माइनस 2 2 4 बाय 10। अगेन माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि 9 प्लस 4 13, लेकिन साइन लगेगा 9 का, 9 बड़ा है ना 4 से, 9 के आगे माइनस है माइनस माइनस 13 बाय 10। तो इस तरीके से आपका जो राइट हैंड साइड आ रहा है वो कितना आ रहा है माइनस 13 बाय 10। क्लियरली बच्चों आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट राइट हैंड साइड। तो बस वेरीफाइड हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस, यानी कि वाई प्लस एक्स यानी कि रूल ऑफ कॉमिटेटिविटी फॉर एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर वेरीफाइड हो गया। ओके नोट कर लीजिए।